नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे आप लोग और स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर आपको क्यों उन्होंने ब्लॉक किया है। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक थी, किसी ने रिक्वेस्ट की थी मुझे, सॉरी आपका नाम याद नहीं है, लेकिन यस, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आपके पार्टनर ने आपको क्यों ब्लॉक किया है? अगर ब्लॉक नहीं किया है तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आपसे डिस्कनेक्टेड हैं? क्यों आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं? हम ये चेक करेंगे। छोटी रीडिंग होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन हम डिटेल्स चेक करने की कोशिश करेंगे कि मेन रीज़न क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसलिए सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें और इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव करें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर की आप देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से जरूर मिल सकती है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, कर्मा हीलिंग मेडिटेशन जो है, आई थिंक उसमें अनुपमा जी का कमेंट था कि प्लीज़ एडवर्टाइज हटाइए, बहुत डिस्टर्बिंग होता है। सीरियसली मुझे नहीं पता है कि उसमें कैसे एडवर्टाइज आया, मैंने ऐड नहीं उसमें एक्टिव किया है, वो चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है और मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ है। मैं चेक कर रही हूँ कि कैसे उसको हटा सकूँ, ठीक है। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी मैं हटाऊँगी, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत इरिटेशन होता है जब मेडिटेशन के बीच में ऐड आता है। तो आई डोंट नो वो कैसे एक्टिव हुआ है, मुझे चेक करना होगा। मैं चेक करके उसके बाद उसको डिसेबल करूँगी, ठीक है। ओके, हाथ पैर भी आपके नंब होते हैं, आपने ये कहा था, तो आपका पॉस्चर सही नहीं है। सही से पॉस्चर में आप बैठने की कोशिश करें, या तो आपको इतनी देर बैठने की आदत नहीं है। जब आप बैठना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में ये चीज़ें होती है, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाती है, ठीक है। देन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को क्यों उन्होंने ब्लॉक किया है? डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स को उन्होंने क्यों ब्लॉक किया है? डिवाइन, क्यों बात नहीं कर रहे हैं? ऑब्स्टिकल क्या है? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। सिचुएशन, ओके, फीलिंग्स, ये कार्ड आ रहा था मुझसे छूट गया ये कार्ड, ओह माय गुडनेस, इंटरनल फ्रेंड्स। ओके, ओके, एक्शन क्या होगा? डिवाइन, हैंग्ड मैन, एक्शन चाहते हैं बट वेट कर रहे हैं, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। छोटी रीडिंग करूँगी, मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, सो छोटी रीडिंग करूँगी और इसके बाद अगर आप लोगों को डिटेल्स चाहिए इस रीडिंग की तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर हम डिटेल्स रीडिंग करेंगे इसके, ठीक है। इसमें भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है बहुत डिटेल्स मिल जाएगा आपको इसमें। वीनस रेट्रोग्रेड हुआ है, वीनस रेट्रोग्रेड इन लियो साइन, तो यू नो बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। पास्ट के पर्सन जो आपके बहुत दिनों से, जिससे आपकी बातचीत नहीं है, वैसे लोग ज़रूर आएंगे, ठीक है। लेकिन आपका बिहेवियर में भी उतना अच्छा नहीं होगा उनसे, लेकिन पास्ट के जो पर्सन हैं जिनसे बहुत पहले ही बातचीत बंद हो गई है, वैसे लोग ज़रूर अभी एंटर करेंगे लाइफ में आपकी। सो बहुत सोच समझ के डिसीजन ले इस टाइम पे। लव रोमांस और जितने भी डिसीजन मेकिंग है, लग्जरियस लाइफ आपका, यू नो अपने ऊपर काम करना, अपनी लाइफ के बेटरमेंट पे काम करना, ये सब चीज़ें भी बहुत आप लोग करोगे। अनएक्सपेक्टेड मनी, ओके, ओके, कंसर्न, ओके,
ओके इम्प्रिजनमेंट प्रिविलेज लेडी पाथवे थीफ ओके साइन जो दिख रहा है मुझे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरिस लियो सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 27, 9, 6, 29, 11, 2, 12, 3, 8 and 24 and 6 ठीक है ओके मुझे यह दो सिनारियो दिख रहा है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इस रीडिंग को रेजोनेट करें ठीक है अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो हैं अभी सिर्फ अपने फाइनेंस पे इनका फोकस है किसी भी तरह इनको बहुत सारा पैसा चाहिए ठीक है बहुत मेटलिस्टिक थॉट इनके हो सकते हैं इनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए एक इंसान हो सकते हैं ये सिर्फ पैसा 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 करने वाले एक इंसान हो सकते हैं ये पैसे के ऊपर ये किसी को नहीं रखते हैं ऐसे एक इंसान हो सकते हैं यू नो मैंने पैसा ही सब कुछ इनके लाइफ में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना या फिर ऐसे भी नहीं है कि बहुत पैसा है और बहुत लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं ऐसे भी नहीं है बस इनको पैसा चाहिए बहुत सारा ठीक है अब क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता लेकिन इनको पैसा बहुत चाहिए अनएक्सपेक्टेड मनी इनको चाहिए सो ये अनएक्सपेक्टेड मनी के पीछे मुझे फोकस दिख रहे हैं अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फाइनेंस पे अपना बहुत ज़्यादा फोकस करते दिख रहे हैं और उलझे हैं अपने करियर और फाइनेंस में ऐसा लग रहा है सो कहीं ना कहीं पैसे की बहुत ज़रूरत है इनको और अरेंज नहीं कर पा रहे हैं ऐसी भी एक दिक्कत दिख रही है मुझे ठीक है सो इनकी लाइफ में जो इनकी सिचुएशन है ना वो थोड़ा सा जगलिंग वाला सिचुएशन है मतलब थोड़ा सा जगल कर रहे हैं बहुत सारा फाइनेंस इनको चाहिए या तो ज़रूरत है या फिर चाहिए सिर्फ एक डिज़ायर है ठीक है और ये उलझे हैं उसमें ऐसा लग रहा है ये आप और इनका करियर भी हो सकता है ठीक है फीलिंग्स इनकी जो है वो आपको लेके बहुत कंसर्न है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी जर्नी को देखते हैं आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं आपके साथ भले पास्ट में जो भी आपके बीच हुआ हो लेकिन अभी ये इंसान एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं आपके साथ ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो आप दोनों के बीच में और जो ऑन एंड ऑफ होता है बाकी जो सारी चीज़ें हैं इन एंड आउट यू नो बार बार गुस्सा होना बार बार फाइट करना ब्लॉक करना आर्गुमेंट करना तो ये सब चीज़ें ये नहीं चाह रहे हैं अब एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं आपके साथ कंसर्न है इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस चीज़ को लेके मुझे ऐसा दिख रहा है क्या है रीज़न क्या है आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे दो सिचुएशन यहाँ दिख रहे हैं एक तो आपके पार्टनर जो हैं कुछ लोगों के पार्टनर इगोइस्टिक है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत एक्सट्रीम ईगो है इनका मतलब ये अगर किसी से प्यार करेंगे तो फीलिंग्स अपने अंदर रखे भले डेली रात को रो लेंगे और सो जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं वाली एक एटीट्यूड यहाँ पे दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए एटीट्यूड इनका ऐसा है कि ये अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते हैं आपके पास आने के लिए यू नो फोन उठा के मैसेज भी करते होंगे लेकिन फिर उसको डिलीट कर देते होंगे क्योंकि ईगो इतना ज़्यादा है इनका ईगो इनको झुकने नहीं दे रहा है तो ये जो एक एनर्जी है ना जगलिंग वाली ये माइंड और सोल में भी हो सकती है ठीक है माइंड और सोल की जगलिंग हो सकती है कि इनकी सोल जो है वो आपको चाहती है इनकी सोल आपसे कनेक्ट करना चाहती है इनका माइंड इनको इगोस्टिक बना के रखा कि तुम झुक नहीं सकते हो वाली एक दिक्कत यहाँ पे है ठीक है कुछ लोगों के लिए सो ये इंसान जितना भी कोशिश करते हैं देखिए इनको लगता है कि ये बंधे हैं ये चाहते हैं कि यहाँ से ये निकले अपना हाथ निकाल के रखे मतलब चाहते हैं कि यहाँ से निकले ये लेकिन ये निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि यू नो इनका माइंड इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कर रहा है नहीं झुक सकते हो तुम वाली एक दिक्कत इनकी माइंड जो है वो इनको सिखा रही है और ये इंसान अपने माइंड से आगे नहीं जा पा रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत मेटलिस्टिक इनका इनका जो थॉट प्रोसेस है ना बहुत 3D लेवल का है ठीक है सो 3D लेवल का माइंड सेट मतलब ऐसा है कि कुछ और नहीं दिखता है माइंड और पैसा किसी और कुछ नहीं दिखता है ठीक है मतलब अपना ईगो अपना स्टेटस अपना यू नो सोसाइटी और ये सब कुछ छोड़ के इनको और कुछ नहीं दिखता अपना पोजीशन ये सब कुछ छोड़ के इनको और कुछ नहीं दिखता है इनको छोड़ के इनको और कोई नहीं दिखता है लेकिन ये इंसान यहाँ से निकलना चाहते हैं मतलब ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अंदर से ये इतना ज़्यादा इगोस्टिक है इतना ईगो से भरे हुए हैं कि इनका ईगो इनको झुकना अलाउ नहीं कर रहा है चाह के भी ये इंसान जो है झुक नहीं पा रहे हैं चाहते ज़रूर हैं झुक नहीं पा रहे कंसर्न बहुत है आपको लेके लेकिन झुक नहीं पा रहे हैं स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं लेकिन झुक नहीं पा रहे हैं इसका जो मेन जो रीज़न है ना वो आप हैं ठीक है आप लोग इतना ज़्यादा अभी तक झुके हो कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब तक तो आप ही झुकते आए हो अब ये कैसे झुक जाएं
तो इसलिए भी नहीं झुक रहे हैं, ठीक है, कि थोड़ा शायद थोड़ा और वेट कर ले तो आप झुक जाएं। सो ऐसी दिक्कत दिख रही है, प्यार ज़रूर है इनके मन में, लेकिन ये इंसान झुकना नहीं चाह रहे, मतलब चाह भी रहे झुकना तो इनका जो माइंड है इनको झुकने नहीं दे रहा है, ठीक है। सो ऐसी दिक्कत दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मैरिड हो सकते हैं किसी और से, और ये इंसान चाहते हैं अपने मैरिज से निकलना और आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन ये बंधे हैं मे बी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनको रोके रखा है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये लो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी होगा, जो जो कि जिनकी बातचीत हो रही है लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, ठीक है, उनके लिए भी रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो आप अपने लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखें और जैसा रेजोनेट कर रही चीज़ें वैसे लें, ठीक है। ओके, अब जो लोग ईगोइस्टिक हो रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनआउट होता है आप दोनों के बीच, और ये इंसान फिर इनको लगता है कि ये आएंगे और फिर से आने के बाद कुछ दिन के बाद फिर से आप दोनों अलग हो जाओगे, ये भी इनको लग रहा है, ठीक है। सो आप इनके लाइफ में प्रिविलेज लेडी हो, आपको ये बहुत मानते हैं, आपके इनके लाइफ में रहने से सब कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक होने के साथ साथ इन एंड आउट होता है, झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती हैं, बहुत एनर्जी लो हो जाती है और आप सेपरेट हो जाते हो, तो इनको वो भी नहीं चाहिए। सो ये इंसान इसलिए अभी जो है ना हैंग्ड मैन की पोजीशन में है, टाइम ले रहे हैं, सिचुएशन को और जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनको समझ ज़रूर आ रहा है कि आपके साथ इनकी कोई जर्नी है, कुछ ऐसा है जो कि आपके साथ कनेक्ट करके रखता है आपको डिस्कनेक्ट नहीं होने देता है इनसे, या फिर इनको आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होने देता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। ये इंसान अभी समझ रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड एक स्पेशल अवेकनिंग को भी बताता है, तो मुझे लग रहा है कि अवेकनिंग ट्रिगर हुई है इनकी और ये प्रोसेस में है। ईगो जो है इनका वो धीरे धीरे करके सेटल होगा और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये इंसान आपका वेट करके खड़े हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन और रुकने पे हो सकता है कि आप आएँ। अगर आप आ जाएंगे तो ये इंसान जो है इस रिश्ते में पूरा काम करने के लिए रेडी है, मतलब ये इंसान वाह ब्यूटीफुल, ये इंसान रेडी है मेंटेनेंस करने के लिए। तो मान लीजिए कि आप गए अगर, तो ये होगा ये कि इंसान पहले तो बहुत एटीट्यूड दिखाएंगे आपको, बहुत ईगो दिखाएंगे आपको, ठीक है, इनको आपको इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में, क्योंकि आपने बहुत समय लगा दिया, आपने बहुत टाइम लगा दिया है, तो और ये इंसान आपके साथ अब कोई इंटरेस्ट इनको नहीं है, ये ज़रूर ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन ये इंसान मेंटेनेंस के लिए रेडी है। आप अगर बहुत मनाए इनको, अगर बहुत आप झुके झुकने के लिए तैयार हुए, आप बहुत इनको बना के रेडी कर लिए कि ठीक है एक और चांस हम देंगे, तो ये इंसान इस रिश्ते में काम करने के लिए रेडी हैं, ये इंसान मेंटेनेंस के लिए रेडी हैं। पिछले समय में जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं उनको ये रिपीट नहीं करेंगे, इस तरह की बहुत सारी इनकी तरफ से बहुत एफर्ट्स आप देखोगे, क्योंकि ये रेडी हैं अब काम करने के लिए इस रिश्ते में, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग ऐसी कि एकदम अपने बारे में सिर्फ सोच के, बहुत सोसाइटी को इसको उसको नहीं सोच के, सिर्फ अपने बारे में और आपके बारे में सोच के ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। थोड़ी सी इमेच्योर हो सकती है इनकी एनर्जी, लेकिन ये चाहते ज़रूर है अब इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना, इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले के इंसान इतना इमोशनली अवेलेबल नहीं थे इस रिश्ते में, इस बार ये इंसान जो है इमोशनली इन्वेस्ट करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया, आपने बिट्रेल किया इनको, ठीक है, आपने इनको बिट्रेल किया है, आपने इनको छोड़ दिया है, क्योंकि लैकिंग कॉन्शियसनेस है, जो चीज़ आपको चाहिए थी, जो खुशियाँ, जो लव, जो केयर, जो सपोर्ट आपको चाहिए था वो इन्होंने दिया नहीं है, तो इसलिए आप जो है मूव ऑन कर गए हो, इनको ऐसा लग रहा है। और इस टाइम ये इंसान आपके साथ ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, इनको लगता है थोड़ा सा और टाइम अगर लेंगे तो शायद आप आ जाओगे, शायद आपकी एनर्जी क्योंकि आप हमेशा से इम्पेशेंट रहे हो, आप इतना लंबा सेपरेशन आपने कभी नहीं किया है, और थोड़ा सा और वेट करने पे हो सकता है कि आपका पेशेंट टूट जाए और आप इनके पास आ जाओ, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान ईगो से डील कर रहे हैं, चाहते ज़रूर आपके पास आना, न्यू बिगनिंग करना, मेंटेनेंस करना। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत प्रे कर रहे हैं कि एक बार आप आ जाएं, अगर आप आ जाएंगे तो ये इंसान जो है कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा कि और आपको इन एंड आउट नहीं करें, क्योंकि ये एक एनर्जी जो है ना ऑब्स्टिकल में आई है। सो इनको ये पता है कि इन एंड आउट वाली बिहेवियर से, जो बार बार ऑन एंड ऑफ होता है, ये बार बार आपको ब्लॉक करते हैं, इस एनर्जी से ही आप इनसे दूर हो रहे हो। सो ये कोशिश ज़रूर करेंगे अगले नेक्स्ट टाइम की इस तरह की एनर्जी ये नहीं शो करें और आपको अपने आप से दूर नहीं करें। प्रिविलेज लेडी का कार्ड भी ऑब्स्टिकल में है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में बहुत लकी थे, आप इनके लाइफ में गिफ्ट थे, एज गिफ्ट आपको भगवान ने एक गिफ्ट के रूप में आपको दिया था, लेकिन आपको इन्होंने संभाला नहीं, इसलिए अब आप इनके लाइफ में नहीं हो। सो ये इंसान इस जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन में जो कार्ड है ना वो क्लियरिटी का है, मतलब खोज रहे हैं कुछ ना कुछ और समझने की कोशिश कर रहे हैं, डीप में जा रहे हैं, ठीक है,
कुछ लोगों के लिए जो लोग मैरिड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई एक लेडी है जो कि जिसके चलते ही आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ये आ भी जाएंगे तो भी इन एंड आउट वाली एनर्जी जो है वो रहेगी ही, क्योंकि आप इनको लेके हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है उनको लेके हो सकता है कि आप आर्ग्यूमेंट करते होंगे या फिर उनको लेके डाउट करते होंगे, तो ये एक एनर्जी जो है वो रिपीटेशन में चलेगा, वो इनको पता है, इसलिए ये इंसान टाइम ले रहे हैं, ठीक है। टाइम तो ले रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये इंसान टाइम ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिस इंसान के साथ ये हैं उनके साथ इनका रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रिविलेज लेडी का कार्ड यहाँ भी ऑब्स्टिकल में मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ रह के, मतलब थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान रह के इतनी खुशियाँ इनको नहीं मिलती है, इतने पैशनेट ये नहीं होते हैं, क्योंकि एक नाइट ऑफ वॉन्स एक बहुत पैशनेट एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशन शो करता है ये कार्ड। सो आपके पर्सन को दूसरी जो पर्सन है उनके लाइफ में, उनके लिए वो पैशन नहीं फील होता है, उनके लिए वो फीलिंग्स नहीं होती जो आपके लिए होती है। सो ये इंसान टाइम लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है। अब आप समझिए, जब मैंने आपको ये बोला कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि अगर आप आएँ तो वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, है ना, तो बहुत सारे लोग अभी क्या करेंगे, तुरंत से मैसेज करेंगे कि हम रेडी हैं, आ जाओ और तुम भी मेंटेनेंस करो, हम भी मेंटेनेंस करेंगे, दोनों मेंटेनेंस करेंगे और बहुत सुंदर मेंटेन करके इस रिश्ते को लेके जाएंगे आगे। होगा ये कि आपके पार्टनर नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि हीलिंग का कार्ड है वो, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है वो, क्यों कहा जाता है आपको वेट करने के लिए, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। वेट करने के लिए क्यों कहा जाता है, जब आप उनसे अलग होते हो उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी अलग होती है कुछ टाइम के लिए, आप कुछ सोच पाते हो इस रिश्ते के बारे में और वो इंसान कुछ सोच पाते हैं इस रिश्ते के लिए, कहाँ कहाँ उन्होंने गलत किया था, कहाँ कहाँ उनसे गलती हुई थी, वो इस टाइम समझ पाएंगे, क्योंकि उनको स्पेस मिला है सोचने समझने का, है ना। आपको भी समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत हुए थे, कहाँ आप सही कर सकते थे, आपको भी टाइम मिलेगा सोचने का। जिस आप हील होते हो, आप समझते हो चीज़ों को, उसी तरह वो भी हील होते हैं और समझते हैं। लेकिन हीलिंग प्रोसेस में जब आप इंटरफेयर करते हो, क्योंकि डिवाइन हीलिंग चल रही है यहाँ पे, डिवाइन उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सो डिवाइन के काम पे जब आप इंटरफेयर करते हो तो क्या होता है, आपके पार्टनर जितना भी चाहें इस रिश्ते को सही से मेंटेन करके चलना, लेकिन कुछ ना कुछ डिवाइन ऐसा करेंगे कि आप दोनों के बीच में फिर से सेपरेशन आएगा और फिर से आपके बीच दूरियां आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने डिवाइन के काम पे इंटरफेयर किया है। जब उनकी हीलिंग चल रही है तो आप वहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको कहा जाता है कि पेशेंसली वेट करें। जब उनकी हीलिंग हो जाएगी, जब उनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई थी, या फिर अलग नज़रिए से इस रिश्ते को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि खुल रही है ना, और हीलिंग उनकी हो रही है। सो अगर इस टाइम जाके आप इंटरफेयर करोगे हीलिंग में, तो फिर से वो हीलिंग ज़ीरो में आ जाएगा और डिवाइन ये चाहेंगे कि आपको भी कुछ और सीखना भी बाकी है, तो फिर से वो ज़ीरो में चल जाता है और फिर से आपके पार्टनर आपको ट्रिगर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सेपरेशन इज़ अ प्रिपरेशन पीरियड। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए इस जर्नी के लिए, अपने अच्छे लाइफ के लिए, अपने स्मूथ लाइफ के लिए, अपने रोमांटिक लाइफ के लिए, और अपने आप में काम कीजिए और उनकी हीलिंग होने दीजिए। जितना हो सके अपने ऊपर काम कीजिए, उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, उनके लिए इस रिश्ते को हील करने के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, वो सब कीजिए आप, बट इंटरफेयर मत कीजिए, खुद से एक्शन मत लीजिए। जब ये इंसान हील हो जाएंगे, ये आएंगे, टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ये इंसान आएंगे, ठीक है। तो इसलिए वेट करें। ब्लॉक इन्होंने दो रीज़न, मैंने बताया है आपको, दो रीज़न है यहाँ पे जो आपको ब्लॉक किया इन्होंने और क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। इनको सोचने समझने का और टाइम चाहिए, इनको टाइम दीजिए और इनको ही आने दीजिए। जितनी बार आप गए होंगे उतनी बार आपका एक महीने में फिर से सेपरेशन हुआ होगा, ठीक है। सो आपको नहीं जाना है, आपको वेट करना है, अपनी हीलिंग कीजिए, वेट कीजिए। ये इंसान जब इनकी हीलिंग हो जाएगी, ये आपके पास वापस आएंगे, इतना तो विश्वास आपको रखना होगा कि जो आपका है वो आपके पास आएगा ज़रूर, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं निकालूंगी, लेकिन ये छोटी रीडिंग मैं करती तो हूँ, लेकिन होते होते वो बड़ी हो ही जाती है रीडिंग। प्लीज़ गाइड डिवाइन, सम गाइडेंस प्लीज, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। I can never forget you. ये आपको भूल नहीं सकते हैं, ये कह रहे हैं। I will forgive you. तो कुछ आपने ज़रूर किया होगा इस जन्म या पिछले किस जन्म में, जो ये इंसान कह रहे हैं कि वो आपको माफ़ कर देंगे, या फिर आपने कुछ कहा होगा ज़रूर ऐसा जो कि इनको बहुत हर्ट हुआ होगा, तो ये इंसान कह रहे हैं कि आपको ये माफ़ कर देंगे, ठीक है।
आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव. तो मैंने बोला ना, कुछ लोग बंधे हुए हैं, कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, चाहते भी, चाहते ज़रूर है, आ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है. ठीक है. आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स. जब आप बात करते हो, आपकी आवाज़ सुनकर ये रिलैक्स हो जाते हैं, इनका कहना ये है. ठीक है. माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू. जब आपको देखते हैं ये इंसान आप पे ही रुक जाते हैं, इनकी आंखें आप पे फिक्स हो जाती हैं, इनका कहना ये है. नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट. आपकी जगह जो है वो कोई नहीं ले सकता है, इनका कहना ये है कि आप जो आप हैं और आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता है. ठीक है. तो ये थी आज की रीडिंग. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को. मिली है तो लाइक और शेयर करें. चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.